और अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी मां दुर्गा की मूर्ति पर घमासान छिड़ गया है। जी हां, बीजेपी ने इसे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला बताया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल की शान मां दुर्गा की किसी अन्य रूप में पूजा करना अनुचित है। बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी देवी दुर्गा की तरह ममता की मूर्ति बनाए जाने पर हमला बोला है। मालवीय ने कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के बाद ममता बनर्जी की देवी की तरह मूर्ति दिखने वाली की भावनाओं को इससे ठेस लोगों की पहुंचेगी, इसीलिए इस तरह की मूर्ति नहीं बननी चाहिए। करीबन 40 दिन के आसपास का वक्त बाकी है कुमारटुली के आर्टिस्ट के पास दुर्गा बनाने के लिए, दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए, क्योंकि 40 दिन बाद दुर्गा पूजा है। यहाँ पे काम जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन इस साल कुमारटुली के मिंटू पाल, जो बहुत ही रेनाउंड आर्टिस्ट है, उन्होंने एक मूर्ति बनाई है जो ममता बनर्जी की तरह दिखती है, और ये है वो मूर्ति, और ये दुर्गा पूजा पंडाल में भी रहेगी। उन्हीं से डायरेक्टली बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सर, ये ममता बनर्जी की स्टैचू है या फिर दुर्गा की मूर्ति है? देखिए, दुर्गा की स्वरूप जो है उसी स्वरूप को हम ममता जी का फेस कटिंग में दिखाएंगे। कारण ये है कि माँ दुर्गा दशभुजा जो 10 हाथ में अस्त्र लेके अशुभ शक्ति को विनाश करने के लिए हर साल धरती पे आते हैं, तो ममता दीदी भी ऐसा ही है कि हमारा बंगाल के लोगों के लिए उन्होंने कई सारे प्रकल्प लिए हैं, तो हम लोग 10 हाथ में उसी 10 प्रकल्प को दिखाएंगे, जो कन्याश्री है, रूपश्री है, शास्त्रो साथी है, लक्खी भंडार है, तो ये सब जो प्रकल्प जो उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए स्कीम्स उन्होंने बनाए हैं। जाहिर सी बात है, इस मूर्ति को लेकर अब वहां पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है वहां पर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं का, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय। मालवीय जी, एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है टीएमसी के द्वारा, जो दुर्गा पूजा है उसमें दुर्गा की मूर्ति में ममता बनर्जी की शक्ल नजर आए, इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां जहां दुर्गा पंडाल बनेंगे दुर्गा की मूर्तियां बन रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को माँ दुर्गा के तुल्य समझने लगी हैं। इस कमेटी में टीएमसी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, तो ये सब चीज़ें उनके इशारों पर ही हो रही हैं। एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में बंगाल की महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में कई भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जिनके हाथों में बंगाल की जनता का खून है, वो अपने आप को अब माँ दुर्गा के तुल्य समझने लगी है। ये बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ममता बनर्जी को उसको तुरंत रोकना चाहिए। कोई बीजेपी कुछ भी इल्जाम लगाए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा दुनिया जानती है, अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा होती है तो बंगाल में होती है। और एक जगह के नाम बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी पत्रकार बंधुओं से, दोस्तों से मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरा कोई जगह का नाम बताइए दुनिया में जहाँ बंगाल से ज्यादा दुर्गा पूजा होती है। तो ये तो बेमतलब है, बीजेपी तो हर बात पर आपत्ति तुलते है, क्योंकि वो अभी इरेलीवेंट हो गया बंगाल की पॉलिटिक्स में, बीजेपी का कोई रेलेवेंस नहीं रहा। जो लोग ऊंचा सर में बोला था हम दखल लेंगे बंगाल को, दखलदार को भगा दिया बंगाल की आम जनता, इसको खामोश रहना ही अच्छा है।